नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। छठ पर्व पर खामोश हुई बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की आवाज, यानी मशहूर गायिका की जीवन की पूरी कहानी। बिहार कोकिला मिथिला की बेगम अख्तर और भी न जाने इसी तरह के कितने नामों से प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा के बेहद पक्के और मिट्टी की खुशबू समेटे शुरू से सजे लोकगीतों के बिना बिहार और मिथिलांचल के किसी भी पर्व की कल्पना संभव नहीं है। नई दिल्ली दिग्गज लोक गायिका और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता शारदा सिन्हा, जो कैंसर से जूझ रही थी और एम्स में भर्ती थी, उनका 5 नवंबर को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। यानी अपना जन्मदिन मनाने के एक महीने बाद बिहार कोकिला मिथिला की बेगम अख्तर और भी ना जाने इसी तरह के कितने नामों से प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा के बेहद पक्के और मिट्टी की खुशबू समेटे शुरू से सजे लोकगीतों के बिना बिहार और मिथिलांचल के किसी भी पर्व की कल्पना संभव नहीं है। लोक आस्था के पर्व छठ के गीतों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय भी यदि शारदा सिन्हा को दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसे विडंबना ही कहेंगे कि छठ के गीतों को घर घर पहुंचाने वाली इस लोक गायिका के सुर छठ पर्व पर ही खामोश हो गए। शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थी। शारदा सिन्हा हमेशा छठ पर्व के दौरान एक गीत जारी करती थी और इस वर्ष भी उन्होंने खराब स्वास्थ्य के बावजूद ऐसा किया। शारदा सिन्हा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उनके द्वारा गाया गया गीत दुखवा मिटाई छठी मैया एक दिन पहले ही साझा किया गया था। यह गीत शायद उनकी मन स्थिति को दर्शाता है। वे खराब स्वास्थ्य से जूझ रही थी। बिहार की समृद्ध लोक परंपराओं को राज्य की सीमाओं से बाहर भी लोकप्रिय बनाने वाली शारदा सिन्हा के कुछ प्रमुख गीतों में छठी मैया आई न दुआरिया, कार्तिक मास इजोरिया, द्वार छेकाई पटना से और कोयल बिन शामिल है। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी कई गीत गाए हैं। इनमें गैंग्स ऑफ वसेपुर टूर के तार बिजली, हम आपके हैं कौन के बाबुल और मैंने प्यार किया के कहे तो से सजना जैसे गाने शामिल हैं। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं में लोक गीत गाए थे और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा साल 2017 से मल्टीपल मायलोमा से जूझ रही थी और कुछ महीनों पहले ही उनके पति का निधन हुआ था। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। यह उनके परिवार और उनके बच्चों के लिए वंदना और अंशुमान के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन समय रहा है। शारदा सिन्हा की बेटा बेटी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशंसकों को उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी देते रहे थे। 1 नवंबर 1992 को बिहार के सुपौल जिले में जन्मी सिन्हा ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंचगछिया घराने के प्रख्यात ख्याल नायक रघु झा से ली थी। इसके बाद उन्होंने ख्याल गायक पंडित सीताराम हरि दांडेकर से प्रशिक्षण लिया। वो एक बेहतरीन गायक थे और इसके बाद शारदा सिन्हा ने पन्ना देवी से संगीत की शिक्षा दीक्षा ली। पन्ना देवी मल्लिका एक गजल बेगम अख्तर की समकालीन थी और ठुमरी और दादरा की प्रतिपादक थी। सिन्हा नित्य विरसादर मणिपुरी थी और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में मास्टर डिग्री और पीएचडी भी की। उन्होंने 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। शारदा सिन्हा का पहला मैथिली गीत दुलालुआ भैया 1971 में आया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। वह अक्सर अपने गानों के वीडियो साझा करती थी। लता मंगेशकर जैसी महान संगीत गायिका को श्रद्धांजलि और त्योहारों की शुभकामनाओं के वीडियो भी उन्होंने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर साझा किए थे। यूट्यूब पर उनके 75,000 सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम में उनके करीब 2,59,000 फॉलोअर्स हैं। सिन्हा की जीवन परिचय में लिखा है, मैं लोक परंपरा को लोक धुनों से गाती हूँ, अपने मन के भावों को गीतों से गुनगुनाती हूँ, पूरी तरह से लोक स्वरों को समर्पित मुझे शारदा कहते हैं। भारत सरकार की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर उन्होंने मॉरिशस, जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड सहित कई देशों में प्रस्तुतियां दी। शारदा सिन्हा 1980 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी और सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक रेडियो प्रसारक की शीर्ष श्रेणी की कलाकार थी। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के संगीत समारोह को सांस्कृतिक समारोह के जरिए देश भर में प्रस्तुतियां दी।
सिन्हा ने 4 दशकों से अधिक समय तक महिला महाविद्यालय समस्तीपुर LNMU दरभंगा बिहार के संगीत विभाग में भी काम किया है। इन वर्षों में उन्हें पद्म पुरस्कारों के अलावा विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, बिहार कला पुरस्कार, बिहार रत्न, भोजपुरी रत्न, मिथिला विभूति सम्मान शामिल है। दिवाली के दिन वे 72 साल की हो गई थी और छठ के पहले दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके प्रशंसकों के बीच 2 खास दिनों पर विशेष तौर पर उनके गीत गाए बजाए जाते हैं। शारदा सिन्हा ने केवल जीते जी अपने करोड़ों प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय रही, बल्कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हर साल जब भी छठ पर्व आएगा, बिहार कोकिला की आवाज उसी तरह छठ के घाटों पर गूंजेगी। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।